किसान भाई लोगों के लिए मोदी सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला निकल कर आ रहा है। बड़ी खबर देख पाऊंगे दोस्तों कि खेती में अब किसान भाई लोग ड्रोन का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। हरी झंडी मिल चुकी है इसको। अन्य कृषि उपकरणों के साथ ही ड्रोन भी अब CHC में शामिल होगा। CHC क्या है और किसानों को इससे क्या फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं 2 मिनट के इस न्यूज अपडेट को थोड़ा विस्तार से। दरअसल आपको पता होगा केंद्र सरकार ने फरवरी के महीने में बजट के दौरान इस बात की घोषणा की थी कि खेती में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसान भाई लोग ज्यादा से ज्यादा खेती में आधुनिकता को अपना सके और अपनी खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, मेहनत को कम कर सके, राइट। तो ऐसे में अब किसान भाई लोग दवाइयों यानी कि कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण विभाग ने ड्रोन के इस्तेमाल को अंतरिम मंजूरी दे दी है। कल इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया, मतलब केंद्र सरकार ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को फाइनल मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अन्य कृषि उपकरणों के साथ ड्रोन भी अब CHC में शामिल होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, तो खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद अब ड्रोन को भी अन्य कृषि उपकरणों के साथ कस्टम हायरिंग सेंटर यानी CHC में शामिल किया जाएगा। असल में CHC ऐसे केंद्र होते हैं जहां सभी कृषि उपकरण बेहद कम किराए पर किसानों को उपलब्ध होते हैं। जैसे किसान भाई लोग अपने लिए हांकने के लिए ट्रैक्टर ले सकते हैं, टीलर ले सकते हैं, फसल को निकालने के लिए थ्रेशर वगैरह ले सकते हैं, रेंट पर लेते हैं ना, उन CHC पर अब आपको दवाई छांटने के लिए ड्रोन भी मिलेगा जिसे आप रेंट पर किराए पर लेकर के बहुत ही कम कीमत में अपनी खेती में कीटनाशक दवाइयां वगैरह छिड़क पाएंगे ड्रोन के जरिए। मामूली किराया देना पड़ेगा आपको, है ना। इसको लेकर सरकार ने SOP भी जारी कर दिए, तो फाइनली किसान भाई लोग अब ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जानने मिला होगा। अपने हर किसान भाई दोस्तों के मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना और आप हमारे चैनल TLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।